शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हेलो, हाँ पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए, डीजल के भी हो गए। अरे नहीं जी यार, सस्ते में से सही में हो गए। हेलो, हाँ सुना, पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए। हाँ अब किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी फुल टंकी के लिए, खून बेच के काम हो जाएगा। हेलो, हाँ जानू, पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए। हाँ अब तुमको मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा पाऊंगा। अच्छा उसके लिए गाड़ी खरीदनी पड़ती है क्या? किस्मत ही खराब है। तो चलो हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर से ही शुरुआत करते हैं। 21 तारीख को केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल लगभग 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब देखो ऑब्वियसली इस चीज का मूल्यांकन ऐसे भी किया जा सकता है कि 1000 की चीज पर 2000 का प्राइस टैग लगा के 20% डिस्काउंट दे दिया, कस्टमर का कट भी गया, वो खुश भी हो गया, विन विन सिचुएशन। बट नॉनदलेस इट्स अ वेरी रिलीविंग एंड अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि हमारे और आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं पेट्रोल और डीजल के दामों पर ही निर्भर करती हैं। जैसे कि आपको एपिसोड के आगे वाले हिस्से में पता चलेगा कि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज की रेट में इजाफा हुआ था, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, जिसकी वजह से देश का इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर भी ऊपर उठा था। भाई साहब तेल के दामों ने तेल निकाल दिया था। लेकिन अब जब पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है तो होपफुली इसका फायदा बहुत ही जल्द हमें और आपको होगा। मतलब ये नहीं कि एजुकेशन पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग, नो, धर्मघाट अभी भी चल रहा है। अब यही है जो है, देखो मामला समझना है तो चलो बनारस पान खाओ और सुनो। ये है ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल एम्परर औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनवाया था। इट्स एन अनडिनायबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। अब मसला पूरा ये है कि कुछ लोगों ने पिटिशन डालकर कहा था कि इस मस्जिद के वजू खाने में, बेसिकली वो जगह जहां नमाजी अपने हाथ पैर धोते हैं, उसमें एक शिवलिंग है। और बाद में जब वाराणसी कोर्ट ने एक ऐसे ही वीडियो सर्वे करवाया तो ऐसे एक सिमिलर स्ट्रक्चर मिला। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि ये एक शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक फव्वारा है यानी कि एक फाउंटेन है। फिलहाल उस पॉट को सुप्रीम कोर्ट ने सील करके बाकी जगह प्रेयर कंटिन्यू करने के आदेश दिए हैं। यहां तक क्लियर है ना? प्यारी समझ गई। ना उस मसले में बहुत ज्यादा लॉज भी इन्वॉल्व्ड हैं, 1958, 1959, which basically makes it more complicated than a Christopher Nolan's movie. लेकिन अगर आपको मामले को थोड़ी और गहराई से समझना है तो इस आर्टिकल में एक बेसिक टाइमलाइन का स्केच है, अगर आप वही देख लोगे तो आपको एक बेसिक ओपिनियन बनाने लायक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पढ़ लेना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। अब भाई मंदिर मस्जिद चल ही रहा है तो अपन को भी थोड़ी दक्षिणा मिलनी चाहिए कि नहीं? बात तो सही है। अब देखो आप इसे शिवलिंग समझो या फुव्वारा, जो समझना है समझो, लेकिन ट्वीटियाना थोड़ा सोच समझ कर वरना पेले जाओगे। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। अब देखो इस पूरे मसले में आईसी प्रोग्रेस है, आई विल टेल यू व्हाई। अभी तक क्या होता था कि बीते कई महीनों से हम कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी देख रहे थे, जैसे कि वो हिजाब वाली हो, लाउडस्पीकर वाली हो, मीट बैन वाली हो, हम मेटाफोरिकली बोलते थे कि मंदिर मस्जिद चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अब सीधा सीधा यही है, इट्स ऑफिशियली अ मंदिर वर्सेस मस्जिद इशू फॉट बिटवीन अ हिंदू ग्रुप एंड अ मुस्लिम ग्रुप, एंड इट कैन नॉट गेट एनी सिंपलर देन दिस। इट जस्ट वेंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट दैट एनालाइज, समराइज, डिबेट एंड कंटेन इंफॉर्मेशन दैट आर जैकेटेड, नॉन जैकेटेड, ब्रैकेटेड, नॉन ब्रैकेटेड, पेपरबैक, हार्ड बाउंड, दैट कंटेन टेबल ऑफ कंटेंट्स, फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन व्हिच आर इंटेंडेड फॉर द एनलाइटमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन थ्रू द सेंसरी रूट ऑफ विजन, समटाइम्स टच्ड। किताबें सर, बुक्स। अब देखो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब चलता रहेगा। कल अयोध्या था, आज ज्ञानवापी है, परसों हाजी अली होगा, नरसों जामा मस्जिद, ये इसका कोई एंड नहीं है दोस्त। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो जरूरी खबरें हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दो, जो आती हैं हमारी सेवन सिस्टर्स से। एंड लेट्स एडमिट इट, हम नेशनल लेवल पर सेवन सिस्टर्स के इश्यूज को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे डोमेस्टिक लेवल पर रियल सिस्टर्स के कैरियर एस्पिरेशंस को। क्या ये है आपका इक्वालिटी? और इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट खबर आ रही है असम से, जहां पर भारी बारिश के बाद लगभग 30 जिले, 1400 गांव
और 7,000 घर बर्बाद हो चुके हैं। Assam has been hit by the first wave of flooding already after heavy rain for the past few days. In fact, 20 districts have witnessed flash floods and nearly 2 lakh people affected and 7 have died in floods and landslides in the past 2 days. हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 80,000 से ज्यादा लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और कुल मिलाकर 8 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से अफेक्ट हुए हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये हमारे पड़ोसी देश भूटान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। फिलहाल हमारी आर्म फोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बाढ़ से जूझ रही है और हम पूरी लगन से पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। देश संकट में है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। एक बहुत सेक्युलर खबर से शुरुआत करता हूं, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, खाना तो चूल्हे पर ही बनता होगा। हुआ यूं है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 तारीख को डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर यानी कि जो घर में इस्तेमाल होता है उसके दाम 3.5 रुपए से और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 8 रुपए से बढ़ा दिए गए। अब इस बढ़ोतरी के बाद देश की ऑलमोस्ट हर सिटी में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए से ऊपर हो चुकी है, जो कि अगर आप सोच के देखो तो अभी भी बहुत कम ही अमाउंट है। ये लेफ्टिस्ट वाले महंगाई का ऐसा प्रोपेगेंडा टाइप रहता है, लेकिन सोच के देखो मतलब जितने में आजकल एक एलपीजी का सिलेंडर आता है उतने में 10 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। एक और खबर यह है कि देश भर में टमाटर महंगा हो चला है। देश की कई सिटीज में अगर आप देखें तो 1 किलो टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपए के करीब है। मतलब कि पहले से पहले नींबू महंगा था, उसके पहले प्याज महंगी थी, अब टमाटर महंगा। तसल्ली से सलाद की प्लेट भी ना खा पाए इंसान अब। अच्छे दिन। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू टॉपिक्स व्हिच पीपल केयर इवन लेसर देन इन्फ्लेशन एंड सुब्रमण्यम स्वामीज ओपिनियन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। हाल ही में लैंसेट कमीशन ने पॉल्यूशन को रिलेटेड एक डेटा रिलीज किया जिसमें पाया कि इंडिया में एक साल में 23 लाख लोगों की प्री मेच्योर डेथ हुई है पॉल्यूशन की वजह से, यानी कि वो लोग जो समय के पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई पॉल्यूशन के कारण। एंड माइंड यू, ये डेटा सिर्फ 2019 का है, 2020 और 2021 में भी पॉल्यूशन ने काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं। दुनिया भर में अराउंड 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पॉल्यूशन की वजह से प्रीमेच्योर डेथ हुई और इसमें से लगभग 1/4 यानी कि 25% हिस्सा भारत में है। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से इंडिया को लगभग 1% जीडीपी का नुकसान भी हुआ है, यानी कि जान और माल दोनों का नुकसान। बट वाई डू वी केयर, वी आर बिजी विद हिंदू मुसलमान। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई हंगर को लेकर। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ने हमें बताया है कि 2030 तक हमारे देश में 9 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको खाने की कमी होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है हमारा, जिसको कहते हैं खाद्य उत्पादन, उसमें कमी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यही साल जहां पर वेदर चेंजेस की वजह से वीट यानी कि गेहूं प्रोडक्शन कम हुआ है। अब जुड़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ। स्पोर्ट्स की जगत से पहली खुशखबरी यह है कि इंडियन बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले इंडिया ने थॉमस कप कभी नहीं जीता था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारे बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज ने टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और प्लेयर्स के लिए एक प्राइज मनी भी अनाउंस हुआ है। नाउ, एक प्राइज मनी अनाउंस होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स किसी भी कंट्री में तब ग्रो करेगा जब उसमें एक फाइनेंशियल इन्फ्लक्स होता है, मतलब वहां पैसा आता है, ग्लैमर आती है, चकाचौंध होता है, तभी उसे देखकर जो नए खिलाड़ी हैं उसको अपना करियर ऑप्शन चूज करते हैं। ये अभी तक क्रिकेट में ही लिमिटेड है और जैसे जैसे बाकी स्पोर्ट्स में पैसा आ रहा है वैसे वैसे उन स्पोर्ट्स की ग्रोथ भी गारंटीड हो रही है। और अगली खबर है बॉक्सिंग से, जहां वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडियन बॉक्सर निखत जरीन ने 52 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इस्तांबुल में खेले गए फाइनल मुकाबले में निखत ने थाईलैंड की खिलाड़ी जिटपोंग जुटमस को 5-0 से मात देकर यह जीत दर्ज की है। निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली 5वीं महिला मुक्केबाज बन गई हैं। और आखिरी खबर है क्रिकेट से, जहां फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और वर्ल्ड कप विनर एंड्रयू सिमंड्स की एक कार एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। सिमंड्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के एक बहुत बड़े लेजेंड थे। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और अगर आपको याद होगा, एंड्रयू सिमंड्स ऑस्ट्रेलिया की जो पीक ऑस्ट्रेलियन टीम थी अर्ली 2000 की, जिसमें सिमंड्स, गिलक्रिस्ट, हेडन, ब्रेटली, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैकग्रा जैसे प्लेयर हुआ करते थे, जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती थी, उसके ये प्लेयर थे। क्या टीम थी यार वो।
And now the big news is that the Mumbai Indians have beaten the Delhi Capitals. Basically, Mumbai ne Delhi ko hara diya hai. Aur Rishabh Pant bhai, kya kiya hai tumne? Anyway, iska ye matlab hai ki now the Royal Challengers Bangalore, yani ki RCB ab qualify karti hai playoffs ke liye. And that means Virat Kohli still has a chance to win the IPL title this year. And remember, Virat Kohli season 1 ki start se, one player who is known to be a legend of the game, RCB से खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस टीम के साथ एक भी टाइटल नहीं जीता है. सो एंड RCB हैव क्वालिफाइड मतलब कितने इतने मार्जिन से, मतलब किसी दूसरे की दया पे ही क्वालिफाई किए हैं वो. तो कौन जीतेगा कमेंट करके बताओ. एनीवे, मूविंग ऑन टू द फाइनेंस न्यूज. फाइनेंस की बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज है. जर्मनी को पीछे छोड़ा भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है. अगर आपको पता होगा तो पिछले कुछ वक्त से ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत का थोड़ा सा प्रोग्रेस देख रहा था बाकी देशों के मुकाबले. जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी कम ग्रोथ दर्ज हो रही थी, इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई. और अगर यही ग्रोथ रेट बरकरार रहा तो इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लेयर बन सकता है. अच्छा, आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन 8 सालों में सबसे ज्यादा रहा. अब इस हफ्ते डेटा ने एज एक्सपेक्टेड हमको बताया है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो भी कई सालों के मुकाबले अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा रहा, यानी कि 15% से भी ज्यादा. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, इन्फ्लेशन रेट जनरली महंगाई बताता है. जिस भी देश का इन्फ्लेशन रेट थोड़ा ज्यादा होगा उसका मतलब ये है कि उस देश में जो महंगाई है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है. और महंगाई जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल महीने में हमारे देश में रिकॉर्ड स्तर पर रही थी. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉनसेंस न्यूज. अब जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, चलता ही रहता है, लॉकडाउन के बाद से खत्म ही कहां हुआ है कि शादियों से बहुत कंटेंट आता है. बारात में सांप नचा दिया जाता है, कभी लड्डू की चक्कर में शादी कैंसिल हो जाती है, फेरे कम फिरकियां ज्यादा ले रहे हैं ये लोग. पहली नॉनसेंस है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक दुल्हन ने एक दूसरे आदमी से इसलिए शादी कर ली क्योंकि हमारे दूल्हे राजा अपनी बारात में दारू और नाच गाने में व्यस्त थे. हाँ, अपेरेंटली दूल्हे ने नाचते नाचते बारात लेट कर दी, उसकी वजह से दुल्हन ने कहा यू गेट लॉस्ट, आई विल मैरी समवन एल्स. और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी शादी उस वजह से टूटी जो जरूरी होती है. इट्स लाइक सीट बेल्ट पहनने के लिए कोई आपका चालान काट दे. एंड चलो ये तो फिर भी जस्टिफाइड है, दूल्हे ने अपनी एक्साइटमेंट के लिए बारात लेट कर दी, दुल्हन ने फ्रस्ट्रेशन में दूल्हा बदल दिया. लेकिन भाई जो दूसरे बंदे ने शादी की उसका क्या लॉजिक है? मतलब भाई तुम तो गेस्ट बनकर गए थे, तुम दामाद बन गए, फिरनी के साथ फेरे भी ले लिए. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ठीक था, शौहरी बन गया यहाँ तो. अच्छे दिन. और जिसकी शादी टूटी है ना दोस्त, तुमने बारात में नाचकर कुछ गलत नहीं किया. सही, ठीक है, कोई बात नहीं. जो तुम्हारी डांस पार्टनर नहीं बन पाई वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी नहीं बन सकती. सही पकड़े हैं. एक और न्यूज सुनो. गुजरात में लड़की पक्ष ने शादी के बाद बारात इसलिए लौटा दी क्योंकि विदाई के वक्त लड़का पक्ष BMW लेके नहीं आ पाया. देखो फेमिनिज्म एक तरफ, दूल्हों के साथ अन्याय तो हो रहा है. मतलब BMW नहीं आई तो विदाई नहीं हुई. सही है भाई, बात नहीं बनी. वरना कल कहते कि भाई जब तक प्राडा की चप्पलें नहीं आएंगी गृह प्रवेश नहीं होगा, जब तक रेबेन के चश्मे नहीं आएंगे मुंह दिखाई नहीं होगी, यूरो ट्रिप नहीं होगा तो हनीमून नहीं मनाया जाएगा. सब पंजाबी गाने का दोष है, नखरों को रोमांटिसाइज कर दिया इन लोगों ने. नखरा तेरा नहीं, हाई रेटेड गबरू नु मारे. अगली नॉनसेंस न्यूज भी मध्य प्रदेश से ही है. पोहा जलेबी में क्या मिला रहे हैं ये लोग. एक चोर ने गाड़ी चोरी की शोरूम से टेस्ट ड्राइव के बहाने. अब समझ में आया कि वो बागवान वाला हाथ साफ क्यों करता था लोगों पर. हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहां से. अरे बेचारा सेल्समैन, वो परफेक्ट गाड़ी चूज करके दे रहा था ताकि चोर चोरी कर ले. आइए सर, इस कार को देखिए, टाटा हंच, 0-100 इन जस्ट 5 seconds. बहुत पावरफुल इंजन है इसका. रेस में इनोवा को पीछे कर देगी ये? बिल्कुल पीछे कर देगी सर. और पुलिस वालों के पास वही होती है ना आजकल, जान जोखिम में है. अच्छा, और इसकी डिग्गी कितनी बड़ी है? सर बूट स्पेस तो काफी है इसका, ट्रैवल बैग्स, इन्वेंटोरी, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, काफी बड़ी डिग्गी है इसकी. खट्टा कट्टा आदमी तो फिट आ जाएगा ना इसमें, मान लो कोई अपहरण करना पड़ा तो, जान जोखिम में है. इसका सेफ्टी एफटी का क्या है, जान जोखिम में है. सर सेफ्टी की तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम मत कीजिए, 5-star NCAP रेटिंग है, बेस्ट सेफ्टी फीचर्स हैं इसके. मतलब पलटेगी वलटेगी तो नहीं ना, हम कानपुर से हैं तो डर तो लगता है भैया. अगली नॉनसेंस न्यूज है बैंकिंग सेक्टर से, जहां पर एक SBI एम्प्लॉय की कॉपी पेस्ट की गलती से 1.5 crore रुपए यहां के वहां हो गए. और देखो आपके लिए ये ओ माय गॉड व्हाट द हेल वाली बात होगी, लेकिन जो सरकारी बैंक गया है और उसने 2 घंटे चप्पलें घिसी हैं, समझ रहे हो आप,
समझ रहे हो? अरे यार, कंप्यूटर की चक्कर में 1.5 करोड़ यहाँ से भाग। हाँ सर, लाइए अपनी फाइल लाइए। अरे जनाब, आपकी फाइल ये देखिए, सिविल स्कोर आपका ठीक नहीं है, आपका ये क्या एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं है। आप ऐसा करिए, देखिए 5 नंबर टेबल पे मिश्रा जी बैठते हैं, आप उस पे इनके दस्तखत लेके आइए लंच के बाद। और आपकी बड़ी हल्की फाइल है आपकी, इस पर थोड़ा वजनदार फाइल लगाइए, जल्दी साइन होती है। हाँ आइए बिल्कुल। अरे यार, अब ये 1.5 करोड़ का ये मान लिया मोदी भी ना, ये बिल्कुल बर्बाद करके लूट के चले गए हैं सारे बैंक को, कौन भरेगा 1.5 करोड़। अच्छा, मैं हफ्ते दर हफ्ते आपको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा बताता रहता हूँ, आप डरते रहते हो। कोई बात नहीं, इस हफ्ते जो डेटा आया है वो सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। CMIE यानी कि डंडा कहाँ है? CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो संस्थान जो देश में इकोनॉमिक और बिजनेस डेटाबेस मेंटेन करती है, उसने बताया है कि अप्रैल के महीने में देश में 8.8 मिलियन यानी कि लगभग 90 लाख जॉब्स जनरेट हुई। अब ये ट्रेंड जो पिछले कुछ महीने के ट्रेंड से थोड़ा उल्टा है, पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा गया था कि देश में जो जॉब जनरेशन है वो लगातार स्लो हो रहा था, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा मंथली इंक्रीज है हमारी वर्कफोर्स में। अब देखिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता जॉब ढूंढने के लिए, और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप जॉब ढूंढिए आज की वीडियो स्पॉन्सर मजबूरी से। मजबूरी एक ऐसी ऐप है जिससे आप आलस और कंफर्ट की सारी प्रॉब्लम छोड़कर बिना अलार्म लगाए सुबह 8 बजे उठकर जॉब पर जा सकते हैं। अगर आप मजबूरी से जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुछ नहीं होगा, आपको बाहर जाके चप्पलें चटकानी पड़ेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज, पिछले हफ्ते आपको याद होगा दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसमें 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन इसमें से एक अच्छी बात यह भी रही कि बिल्डिंग में फंसे कई लोगों की जान कुछ बहादुर लोगों ने बचाई जो वरना नहीं बच पाती शायद। दयानंद तिवारी और अनिल तिवारी, ये दो लोग हैं जो क्रेन चलाते हैं। इन्होंने देखा जब बिल्डिंग में आग लगी हुई है, लोग फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो इन्होंने फायर ब्रिगेड का इंतजार ना करते हुए समझदारी दिखाई, बहादुरी दिखाई और जाकर खुद कांच तोड़े और अपनी क्रेन से 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। नाउ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसे मौकों पर हम ज्यादातर देखते हैं कि अनजान लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। इसकी कई वजह होती है, जैसे कि खुद की जान को खतरा होता है और फिर बाद में जाके पुलिस कार्रवाई में भी लोग फंस जाते हैं, लेकिन दयानंद और अनिल ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई, एंड दिस मेक्स देम हीरोज ऑफ दिस वीक। अगली स्टोरी मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव है या नहीं, लेकिन एक इंस्पिरेशन की कहानी तो है ही। मिलिए पेचियामल से, इनके नाम का प्रोनंसिएशन मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल पा रहा हूं या नहीं, अगर गलत है तो आप कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। इनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। जब ये 20 साल की थी तो इनकी शादी के सिर्फ 15 दिन बाद इनके पति की मौत हो गई। उसके कुछ ही समय बाद इनकी बेटी का जन्म हुआ। और हमारी सोसाइटी का एक दुखद सच ये भी है कि एक विडो यानी कि एक जो विधवा महिला होती है वो अकेले दम पर एक बच्चे को पालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में। तो फिर इन्होंने अगले 30 सालों तक एक आदमी का भेष धारण किया ताकि ये अच्छी तरीके से अपनी बेटी का पालन पोषण कर पाए और इन्हें सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं 30 सेकंड की स्किट के लिए मूछें लगाता हूं, मेरे तोते उड़ जाते हैं। इन्होंने 30 साल तक अपनी आइडेंटिटी बदल के जिया ताकि अपनी बेटी की परवरिश कर पाए। और ये शायद हो सकता है सुनने में बहुत फिल्मी लगे, लेकिन एक माँ को छोड़कर कौन ही कर सकता है। और देवियों सज्जनों, अब वो समय आ चुका है जब हम जनता के कमेंट्स और मीम्स रिव्यू करते हैं। समर्पण छेत्री ने लिखा है, माँ कसम भैया आप भी सुट्टा जैसे हो गए हो, संडे को आपका शो ना देखूं तो पॉटी नहीं निकलती। इतना नास्टी कॉम्प्लीमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। देवांश ने लिखा है, यू डोंट नो व्हाई रुपी इज फॉलिंग, ले निर्मला दीदी, रुपी इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री। देवाशीष जेठी, माय फ्रेंड, अरे भाई वो नेहा वाली बात सारी क्लास को पता चल गई, मी हू लीक द सीक्रेट, ओ माय गॉड, मैं पूछूंगा ये कैसे हुआ। मुझे नहीं पता कि किसने लीक किया और नेहा कौन है, बट मुझे बस इतना बता दो कि सीक्रेट क्या था। आई डी वा बाई क्वेश्चन नंबर 1 बता दे। अच्छा, एग्जाम खत्म हुए ना तुम लोग के? ऐसे नहीं, क्रेजी बाबा मीम्स, ओवरटेक ढंग से करे, गाड़ी में लट रखा है। यूपी की होगी पक्का ये गाड़ी। हाउ मॉर्निंग स्टार्ट अदर अलार्म मी, या पंखा किसने बंद किया दिया? एवरी मिडिल क्लास घर एवर ग्लोबल फैमिली शो है यार, थोड़ी मर्यादा रखिए। मी व्हेन आई एम 25 आई विल गो टू माय ओन हाउस, बाय माय ओन कार एंड लिव माय लाइफ,
25 ईयर ओल्ड मी डव खाली कर रहे हैं शावर से। देखो यार कंटेंट के नाम पे पर्सनल अटैक मत करो। मी एट पेट्रोल पंप, भैया टंकी फुल कर दो। गर्ल बिहाइंड मी, ये मेरा सैमसंग का नंबर है। गोल्ड डिगर से पेट्रोल डिगर हो गए अब सब। व्हेन गुजरात इज एट नंबर वन एंड लखनऊ इज एट नंबर टू। इसके घर पे आगे इसको पुलिस उठा के लेके जाएगी। व्हेन मैथ्स टीचर सडनली सेज 69 स्टूडेंट्स। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। परवेज आलम ने लिखा है, अरे सार्थक भैया 500 रुपीस पेटीएम करना तो आपके चैनल का मेंबर बनना है। परवेज भाई ये जो तुम हम पर टैक्स लगाकर हम ही से सब्सिडी ले रहे हो ना। शादाब बीएसआर, मी रबिंग माय चिराग, जिन कम्स एंड आस्क, हुकुम मेरे आका, मी लड़की बन जाओ लेट जा, रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। सोविक मजुमदार ने लिखा है, ऐसे स्टाइल में न्यूज टीवी पर चलता सही मजा आता। देखो यार स्टाइलिश तो है तुम्हारा भाई, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं। हर्षित रुनीवाल इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द सिटी ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ रावण एंड फ्रॉम योर फेवरेट सिटी ऑफ स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर। देखो बर्थ प्लेस ऑफ रावण तो आई टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता, बट फॉर्च्यूनर तो देखो नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात हो रही होगी। अवनीश ब्रिज वर्मा, वॉचिंग यू फ्रॉम द सिटी वेयर इंडियाज ओनली F1 ट्रैक इज सिचुएटेड, BIC is situated in greater, सभी greater notice हैं क्या? Watching the show from the gateway of to northeast. यार ये मुझे नहीं पता but मैं Google करके बताता हूँ। उज्जैन, okay interesting. समीर is watching from गांधीधाम, the city of hope. अच्छा why is it called the city of hope? लोग क्या मतलब वहाँ मुद्दों पर वोट डालते हैं education के? आप भी अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, इस शो में फीचर हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि शो देखते हो अपनी सेल्फी लेना है, अपलोड करना है और अपनी सिटी का एक हिंट देते हुए उसको पोस्ट करना है #SundayWithSarthak के साथ। और अगले हफ्ते फिर आपकी सिटी की कोई स्पेशल क्वालिटी यहाँ पर सब जानेंगे। बेस्ट है ना जी। तो ये थी इस हफ्ते की खबरें। जाने से पहले लाइक करना मत भूलना। काम अच्छा लगा हो तो आप एक मेंबर बनके चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इससे काफी सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है जैसे बिहाइंड द सीन्स वगैरह, कभी कभी लाइव आके भी हम बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते की वीडियो आपको इधर मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।